आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यार आए, प्यार कैसे होता है। जी हाँ, मैं अभी आप लोगों को एक गाना सुना रहा हूँ। एक्चुअली मैं गाना गाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो हमारे चैनल पे हैं, और जो इस सब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे आप लोगों को बैक में दिखा देना चाहता हूँ। जिस सब्जेक्ट पे मैंने चर्चा किया था, उस सब्जेक्ट को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी सारा कमेंट भी मिला और काफ़ी लंबा लंबा कमेंट मिला। तो इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। इन दोनों पे मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि हम इस पे तर्क करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कई सारे टॉपिक्स हैं, मैं आप लोगों से भी बातचीत करूँगा। तो कई सारे टॉपिक्स हैं, मेरे पास एक कॉपी है और मैंने कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं और मैं उसे भूल ना जाऊँ आपसे चर्चा करने के लिए, इसीलिए मैं एक कॉपी को हाथ में लिए रखता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप इसे किसी तरह का झगड़ा ना समझें, किसी तरह का जो है मतभेद ना समझें हम लोगों के बीच, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप भी हैं और हम भी हैं। अभी किसी और धर्म की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। चर्चा होगी, उस पर भी तर्क होगा, तो उस सब्जेक्ट को मैं अभी साइड कर दे रहा हूँ। तो ये गाना मैं क्यों गाया और इसका इस वीडियो से क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, ये मैं आप लोग को बतलाऊंगा। आप लोग को पता चल ही जाएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। तो मैं बता दूं कि तर्क वितर्क करना मुझे पसंद है। अगर आप लोग को पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं और भी मैं करूंगा। यहाँ पे किसी तरह का मतभेद तो है, क्योंकि दोनों महापुरुषों के बीच मतभेद तो था ही, महापुरुषों के बीच मतभेद तो था, लेकिन मन भेद ना करे। मन में भेद जो है उसको नहीं लाना है। चर्चाएं चलती रहेंगी, तर्क वितर्क, किसी का भी तर्क मुझे पसंद है। मैं किसी का भी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तर्क वितर्क के द्वारा अगर मुझे वो संतुष्ट करता है और मैं उसकी बातों से संतुष्ट हो जाता हूँ, तो फिर मैं किसी के बारे में बात मानने को तैयार हूँ। वैसे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा था मूर्ति की पूजा करना सही है, उचित है या नहीं, इस बात पे चल रहा था। क्योंकि दयानंद सरस्वती मूर्ति की पूजा नहीं करने के लिए कहते हैं, वो मानते हैं ऐसा। जबकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो मूर्ति की पूजा करने के लिए सही बतलाते हैं और बहुत सारे लोग दोनों को मानते हैं। एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये एक सच बात है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को मानते हैं, तो डेफिनेटली एक सच है कि आप दयानंद सरस्वती की बातों को, इसका मतलब है कि नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, ये कहता है कि आप अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी दूसरा धर्म है या कोई भी दूसरा मत है, आप उसकी अवहेलना ना करें। तो जो कोई दूसरा है, हम उनका भी सम्मान करना जानते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से आप अपनी जगह पे सही हैं और हम भी अपनी जगह पे सही हैं। तो आगे बात करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि मूर्ति पूजा आवश्यक है, अच्छा है, इस बात के लिए हम एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, क्योंकि आज का टाइम जो है लेटेस्ट युग है और सबके हाथों में मोबाइल जरूर है। आपके हाथ में मोबाइल होगा, लगभग सभी लोगों के पास है, और मोबाइल में कैमरा होता है। मैं बता दूं कि मूर्ति पूजा या फिर तस्वीर, दोनों को एक ही चीज माना जाता है। लास्ट जो मैंने वीडियो दिया था, उसमें इस बात का मैंने जिक्र किया था, एक तस्वीर की बात किया था। मूर्ति पूजा को मानने का जो एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी ने जो दिया था, उसमें एक तस्वीर की बात किया गया था। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को नहीं देखे, अगर इसका पिछला वीडियो जो है उसको नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो तस्वीर जो है, मूर्ति पूजा को मानना या तस्वीर को मानना एक ही बात है। तो
यहाँ पे हमें बता रहा था कि आपके पास कैमरा जरूर होगा, मतलब मोबाइल जरूर होगा, उसमें कैमरा रहता है और उस कैमरे से आप पिक्चर खींचते हैं। पिक्चर खींचते हैं, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सब खींचते हैं ऐसे नॉर्मली, सभी लोग जानते हैं। तो उसमें क्या है, पिक्चर आप मोबाइल पे देखते हैं उसमें कई तरह के पिक्चर हो सकते हैं। अगर वो पिक्चर जो है आप कहीं घूमने के लिए गए हैं और उस समय उस पिक्चर को आप खींचे हैं, आप पिकनिक में गए हैं, छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, और उस पिक्चर को जब आप कभी निकाल कर देखते हैं तो क्या होता है, आप उस पिक्चर को देख के क्या खुश होते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, आपके चेहरे पे चमक आ जाता है, खुश होते हैं। अगर कहीं आप ऐसे जगह गए हैं जहाँ पे किसी की मृत्यु हो गया है और वहाँ पे कुछ फोटो अगर खींच के रखे हुए हैं आप अपने मोबाइल पे, तो उस पिक्चर को जब देखते हैं तो आपके मन में कैसा भाव आता है, निश्चित रूप से सैड भाव आता है। कहने का मतलब है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मोबाइल पे आप जो पिक्चर खींचते हैं वो आपके मनोभाव को चेंज करता है या नहीं करता है, इसका जवाब आप हमें ना दें, आप स्वयं को दें, आप खुद को जवाब दें कि उससे क्या आपका मनोभाव, आपके मनोदशा चेंज होता है या नहीं होता है देख करके, वो पिक्चर आपके लिए कोई मायने रखता है या नहीं रखता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा कबीरदास जी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, इसके एग्जाम्पल में जो कहने का मतलब है कि इस तरह का उनका दोहा भी है, उनका जो पोयम होता है उसको दोहा कहा जाता है, उनका दोहा भी है, तो दोहा मैं बतला रहा हूँ। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीरदास जी ने कहा है पाथर पूजे मतलब पत्थर पूजने से अगर हरी मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा। इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, चक्की पहले चक्की जो जिसको ग्रामीण भाषा में जांता कहा जाता था, चक्की जो होता था हाथों से पीसा जाता था और उसको पीस पीस कर लोग उसमें से आटा बनाते थे, उसमें से दाल बनाते थे और कई तरह की इस तरह की चीजें बनाते थे, और उस चक्की से पीस कर मतलब खाते थे, तो वो चक्की भली है जो हम पत्थर को पूजने जाते हैं। कबीरदास जी का कहने का अर्थ यह है कि हम जो पत्थर को पूजने जाते हैं उससे अच्छा तो वो चक्की है जिससे हम लोग पीस पीस कर खाते हैं, कम से कम अपना गुजारा तो चलता है, कबीरदास जी का कहना यह है। लेकिन अगली पंक्ति में जो है कबीरदास का ही है, कस्तूरी कुंडली मृग बसे मृग फिरे बनमाही ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ये लाइन भी उन्हीं का है कबीरदास जी का, कि कस्तूरी जो होता है मृग के अंदर बॉडी में ही होता है, और उसके बाद आगे बता रहा है कि घट घट राम है, घट घट कहने का मतलब है कि कण कण में एक एक चीज में राम है मतलब भगवान बसे हुए हैं दुनिया जानत नहीं। अगर सभी चीजों में घट घट में कण कण में राम है तो क्या उस पत्थर में नहीं है जिसकी पूजा की जाती है, पंक्ति उन्हीं की है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास ये कोई वस्तु है, हमारा मानना है कि अगर इस किसी भी वस्तु में भगवान का वास है, कण कण में वास है, तो इसमें भी है, हम इस कॉपी को जो पकड़े हुए हैं इसमें भी है, ये जो शर्ट पहने हुए हैं इसमें भी है, हमारे पीछे ये जो पर्दा लगा हुआ है इसमें भी है। कहने का मतलब है कि एवरीथिंग जो हमारे काम आ रहा है, क्योंकि अगर हम वो हमारे लाइफ से हट जाता है तो हमें कितना फर्क पड़ता है, इसीलिए हर चीज में कण कण में कहा गया है कि ईश्वर का वास होता है, तो फिर उस पत्थर में क्यों नहीं, फिर उस मूर्ति में क्यों नहीं, उस तस्वीर में क्यों नहीं। कहा गया मतलब कबीरदास जी कहे हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो पहाड़ के बारे में बता देता हूँ कि एक समय था जब श्री कृष्ण जी इस धरती पे थे और वृंदावन में रहते थे, गोकुल में रहते थे, उस समय एक बार इतनी बारिश हुई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, पूरा गांव का गांव भर गया था और लोग बेचैन हो गए थे कि अब क्या किया जाए। तो वैसे समय में श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाए हुए थे, उस पर्वत का लोग वृंदावन के लोग जो थे गोकुल के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे और हमेशा उस पर्वत की पूजा, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इस पर्वत की पूजा हमेशा होगी और आज भी उस पर्वत की पूजा होती है। तो पर्वत हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वन हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हम लोग कई सारे बुक्स में पढ़े हुए हैं, तो हमें बतलाने की जरूरत नहीं है कि वन हमारे लिए कितना आवश्यक है, और जो हमारे लिए आवश्यक है मैं कहता हूँ कि वही ईश्वर का रूप है। उसके बाद मैं और आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि कहना है कि जड़ वस्तु है, पत्थर है, इसमें क्या जान है, इसको क्या भगवान मानना। एक समय का याद कीजिए, हिरण्यकश्यप बहुत बड़े राक्षस थे, हिरण्यकश्यप उनका बेटा था प्रहलाद,
प्रहलाद और हिरण्यकश्यप उससे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद जो होते हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं, और वो उनसे गुस्सा रहते हैं और उनको कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुला उसको। प्रहलाद क्या जवाब देते हैं, भगवान तो यही है, भगवान तो हर जगह है, हम में तुम में इस खड़ग में, तलवार जो पकड़े रहता है हिरण्यकश्यप तलवार पकड़े रहता है, तो बोलता है इस खड़ग में खम में बतलाता है उसमें, तो हिरण्यकश्यप क्या करता है, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है, और उस खंभे को वह तोड़ देता है। तो क्या उस खंभे से भगवान निकला था या नहीं निकला था, तो क्या ये कहानियां सही नहीं है, गलत है, ऐसा भी नहीं है। हमारे जितने भी वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वो सारे जो भी सच्चाई बतलाते हैं वो कोई भी गलत नहीं है, वरना इतनी लंबी लंबी कहानियां, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, मनगढ़ंत कोई भी नहीं लिख सकता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं रामायण नहीं हुई, महाभारत नहीं हुई, गीता का उपदेश जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि इतना बड़ा मनगढ़ंत कहानी इस दुनिया में और कहीं लिखा गया क्या, कोई जवाब है, कहीं भी इस तरह का कहानी कोई नहीं लिख सकता, और ये सच्चाई है। चलिए आगे मैं बताता हूं, आप देखते होंगे मेडिटेशन योगा ये सब जो हम करते हैं, जब हम करते हैं तो आप देखते होंगे कि लोग आंखें बंद करके करते हैं, क्यों आंखें बंद करके करते हैं, क्या कारण है, सिंपल सा इसका मेथड है कि जो मेडिटेशन करते हैं हम लोग, मेडिटेशन किया जाता है तो ऐसे समय में हम आंखों को अगर खुला रखेंगे, आंखें हमारी एक कैमरा की तरह काम करता है, ये तस्वीरों को देखता है, चीजों को देखता है, उसका एक तस्वीर बनता है, फिर हम समझ जाते हैं कि वो ये चीज है, और जिस चीज को हम देखते हैं हमारी भावनाएं उसी तरह की बनती है। अगर मेडिटेशन के दौरान हम मेडिटेशन में लगते हैं तो क्या करते हैं, हम गॉड को याद करते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाते हैं। अगर हमारी आंखें खुली रहेंगी तो हम जो चीजें देखेंगे हमारा ध्यान उधर जाएगा, या उधर गॉड की ओर जहां हम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं वहां जाएगा। इसीलिए योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों से हमें दिखता क्या है, चीजें दिखती है, उसकी तस्वीरें दिखती है, तो उस हमारा ध्यान उसी तरह होगा, हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं उस ओर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो तस्वीरों का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, आप तो समझ ही सकते हैं। हमारी आंखें तो एग्जाम्पल है ही, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं हमारी भावनाएं वैसी हो जाती है, अगर कोई गलत चीज देखते हैं तो हमारी भावनाएं जो है वैसी हो जाती है, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। आगे मैं बतलाता हूं, निश्चित रूप से ये सही बात है, दयानंद सरस्वती को जो मानते हैं, मैं जो मानते हैं, अगर मैं दयानंद सरस्वती का नाम लूं तो आपके मन में, आपके हृदय में क्या उठता है, उनकी उपदेश या उनका तस्वीर, जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। आप आंखें बंद करके देखें, दयानंद सरस्वती अगर कोई बोलता है तो उसके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहले उनकी तस्वीर आपके अंदर उभर जाती है। हमारे अंदर तस्वीर जो उभरती है वही यथार्थ दुनिया में भी हम वही देखते हैं, वही करते हैं। आप सोच कर देखिए, जब कभी आप स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद हो, किन्हीं का भी बुक लेने के लिए जाते हैं, तो आप बुक लेने के लिए जब जाते हैं तो आपकी आंखें क्या ढूंढती है, आप क्या ढूंढते हैं, वो बुक में से आप ढूंढते रहते हैं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद का पिक्चर, जैसे उसका फर्स्ट कवर पे जो पिक्चर लगा हुआ रहता है, जैसे ही आप देखते हैं आपकी आंखें वहां रुक जाती है, आप वहीं पे रुक जाते हैं, आप उस किताब को देखने लगते हैं, उस तस्वीर का क्या महत्व आप समझ सकते हैं। तो तस्वीर को नहीं मानने के बावजूद, चलिए जो लोग बुक्स को बनाते हैं वो लोग उस तस्वीर को छाप रहे हैं, वो लोग छाप रहे हैं क्योंकि लोग आंखों से देखने के बाद पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि यही वो बुक है। आप उनके बुक में उपदेश उनका नहीं देखते हैं, कोई भी उसके उपदेश को देखने के लिए वहां आंखें ढूंढती नहीं है, वहां पे उसकी तस्वीर को देखते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लोग जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात बतला दें कि बहस का कोई अंत नहीं होता है, बहस का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन सिर्फ तर्क दिया जा सकता है, आप तर्क दे सकते हैं, इसलिए मैं तर्क ही दे रहा हूं। मैं, ये हमारा देश स्वतंत्र देश है और हर किसी को अपनी मान्यताओं को मानने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी भी चीज को मान सकता है और कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आप दूसरी चीजों को माने। तो बहस का कोई अंत नहीं है लेकिन तर्क हम कर सकते हैं।
तो निश्चित रूप से मैं अंत में यही कहूंगा कि आप जब आंखें बंद करते हैं और स्वामी दयानंद हो, विवेकानंद हो, जिनके बारे में आप सोचते हैं और आपके अंदर उनकी जो तस्वीर आती है, उनकी जो पिक्चर आती है आपके मन में, हृदय में, सारे तस्वीरों को आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं, कागजों पे मूर्तियां हटा सकते हैं, लेकिन अपने हृदय में जो तस्वीर बनती है आप उसे कैसे मिटा सकते हैं? अगर आप उसे मिटा सकते हैं तो फिर मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, उसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों माना जाता है, मैं तो बतला ही रहा हूं कि हमारी भावनाओं को केंद्रित करने के लिए। जब हम मंदिर देखते हैं तो हमारी भावनाएं वैसी हो जाती हैं। हम कोई भी गलत वर्ड से बचते हैं, गलत चीज देखने से, गलत चीज करने से बचते हैं मंदिर में जब होते हैं, मंदिर के आसपास होते हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही ये सॉन्ग गाया था, क्योंकि आंखें आप खोल के रखें, बंद करके रखें, लेकिन आपके मन में जो तस्वीर होती है वो बदल नहीं सकती। इसीलिए मैंने गाया था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये। तो आप समझ सकते हैं, मैं अंतिम बात यही कहूंगा कि हो सकता है कि मेरी बातों से आप लोगों को किसी को भी ठेस पहुंचा हो, तो आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मैं तर्क के लिए वीडियो बना रहा हूं, और बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गया हो, किसी तरह का कुछ भी हो गया हो, गलतियां तो हो सकती है, गलतियां होती रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफी मांगता हूं। आप लोग किसी तरह की भी, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता हूं, स्वामी दयानंद हो, विवेकानंद हो, हम उनकी सोच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपने मन में जो विचार आता है बस उसी को मैं शेयर कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह का कोई खास टॉपिक पे, धर्म के चर्चाओं पे फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।